जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार उर्फ जड़ी, और दोस्तों आज मेरे साथ है आदित्य पांडे जी, और इनका एसएससी जीडी का फिजिकल पास हो चुका है। और बहुत सारी चीज़ें बंदों को एक मतलब हमारे वीडियो का इंतजार रहता है और ये देखने का इंतजार रहता है कि कोई बंदा आएगा और रनिंग करने के बाद ये बताएगा कि वहाँ क्या क्या हो रहा था। वही आपके साथ होने वाला है। आज हमारे साथ है आदित्य जी, और ये रनिंग अपनी अच्छे से पास करके आए। इन्होंने हमारे यहाँ कितना टाइम दिया था और वहाँ पर रनिंग में किस तरह के स्टेप होते हैं, वो अगर आप जान लेंगे तो थोड़ा आप लोगों को सरल हो जाएगा। बहुत सारे बंदे जब नहीं पता होता है ना तो बड़बड़ाते रहते हैं, माइंड को थोड़ा चकराते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा अपना आपको थकान हो जाती है। आइए जानते हैं आदित्य जी से कि इन्होंने रनिंग, सबसे पहले ये जानेंगे कि इनकी रनिंग जो यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया था कितनी आती थी, और यहाँ से जब गए हैं कितनी थी और वहाँ पर कितनी की। आदित्य जी ये बताइए कि जब आपने यहाँ ज्वाइन किया था तो आपकी टाइमिंग क्या आती थी? 26-27 मिनट आती थी। अभी जब आप यहाँ से रनिंग करने करके गए हैं, जब यहाँ पे आप ट्रायल देख के गए हैं, तो आपकी कितनी टाइमिंग थी? 23 मिनट थी। और वहाँ पर जब आपने रनिंग क्वालिफाई की है तो वो कितने मिनट में की है? 22 मिनट 40 सेकंड। देख सकते हैं आप, यहाँ से जब ये बंदा गया तो इसने 23 मिनट में यहाँ पर टाइमिंग दी, वो भी 20 दिन के अंदर 27 से 23 मिनट में टाइमिंग दी। इसके बाद वहाँ पर इसने 20 सेकंड और कवर किया, 20 सेकंड मतलब 20 सेकंड और कवर करके 22:40 में रनिंग को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर जुनून था एसएससी जीडी की रेस पास करने का। और जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, जब आप रनिंग करने गए तो आपको थोड़ा डर लग रहा था? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अभी डर, जब डर लग रहा था तो आपने क्या किया? अपना वही पास्ट और फ्यूचर सोचते रहे, ठीक है। अभी जब आप वहाँ पर गए, जैसे कहाँ पर था आपका रनिंग? सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर प्रयागराज, ठीक है। जब आप उस सेंटर में प्रवेश किए तो आपको एक अजीब सा फील हो रहा होगा? बिल्कुल हो रहा था ना, कि मैं आज रनिंग करने वाला हूँ, पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, है कि नहीं। तो एक चीज मुझे ये बताइए कि जब वहाँ आपको टोकन मिला था? टोकन बाद में मिला था रनिंग के बाद, यहाँ पर चेस्ट नंबर लगाने के लिए मिला होगा। और ये एक चीज़ ये बताइए कि आपकी रनिंग ट्रैक पे हुई थी या रोड पे? रोड पे। कितना सेंटर के अंदर रोड बना हुआ है। कितना जाना था, कितना आना था? लगभग 1.5 किलोमीटर पे 1.5 चक्कर पूरा हो रहा था। 1.5 चक्कर में 5 किलोमीटर पूरा हो रहा था, यानी चक्कर के हिसाब से आना जाना नहीं था। तो वहाँ की जो रोडें थी आपको कैसी, पहली बार आप रोड पे, मतलब वहाँ की रोडों में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा? हाँ, एक तरफ का रोड थोड़ा खराब था, बाकी रोड अच्छा था, रनिंग आराम से हो सकती वहाँ पे। जब आपको, आपके पास तो घड़ी थी नहीं, जब आपने रनिंग खत्म किया होगा तो आपके अंदर से क्या आवाज आ रही थी कि 24 में आ गए हैं कि 25 में आए हैं? 24 में आ गए हैं, क्योंकि हमारे मतलब मेरे रनिंग स्टॉप करने के बाद रस्सा उन्होंने काफी टाइम बाद खींचा था, और बेहतर था उनका मतलब रस्सा खींचने का जो उनका टाइम पीरियड था। अच्छा, 24 मिनट पर रस्सा खींच भी देते हैं? हाँ, जैसे 24 मिनट होता है रस्सा खींच देते हैं, हाँ, बाकी का कोई मतलब नहीं है, आए या ना आए, चाहे रुक जाओ, आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, तो आपको कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं पास हो गया? हाँ। अच्छा, पास होने के बाद फिर क्या कार्रवाई होती है? पास होने के बाद फेल वालों को अलग करते हैं, पास वालों को अलग करते हैं, और फिर उसके बाद 3 फॉर्म देते हैं, डॉक्यूमेंट कैंडिडेट डॉक्यूमेंट होता है, और एक ऑफिस स्टाफ के लिए होते हैं 2, उनको फिलअप करके कंप्लीट कराते हैं और उन्हें जमा कराते हैं, और फिर बाद में। अच्छा, आपके बैच, आपके बैच में कितने बंदे रनिंग किए हुए थे? 78। कितने फेल हुए थे? 32 फेल हो गए थे। जो फेल हुए थे तो उनका वजन कितना था? उनका वजन मतलब वैसे दिख रहे होंगे फेल वाले बंदे, तो दिख रहे थे कि यही होंगे 65 कुछ प्लस भी थे, 80+ 70+ भी थे। अच्छा, और एक चीज़ ये बताइए कि जैसे रनिंग वगैरह पास हो गई तो ये जो हाइट आपकी पहले नपी थी या बाद में? हाइट और चेस्ट मेरा पहले हो गया था। पहले हो गया था, तो हाइट का क्या वहाँ पे हो रहता है? मेजरमेंट है, उनका मेजरमेंट लगा हुआ है उसी पे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक लगा हुआ है या तो लकड़ी वाला? लकड़ी वाला लगा हुआ है। वहाँ पर कितने बंदे रहते हैं नापने के लिए? 3 से 4 लोग रहते हैं, और 3 से 4 मीटर रहते हैं। अगर आपको डाउट है कि मेरी हाइट आ रही है, इन्होंने गलत मेजर करी है, तो आप दूसरे से करा सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज उनका मेजर भी बैठा है, वो 3 से 4 बार मेजर कर देगा। अच्छा, चेस्ट में भी यही रहता है? चेस्ट में भी, हाँ, यही। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जब आपकी रनिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो आपने शुरू में तेज खींचा था या रिदम पे चले? अपने रिदम से चलो, अगर खींचने के चक्कर में पड़ो तो हो सकता है आप फेल हो सकते हैं। अच्छा, जब आप 1 से 1.5 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर जब रनिंग कर गए
तो फिर आपने रनिंग बढ़ाई या उसी स्पीड से रखी? थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए कि आप जूते में दौड़ रहे थे, वहाँ पर जो बंदे दौड़ रहे थे सभी जूते में दौड़ रहे थे? हाँ, क्योंकि जो एक तरफ का जो रोड खराब है तो वहाँ बिना जूतों में नहीं दौड़ सकते, बिना जूतों में दौड़ेंगे आप इंजरी खा देंगे। अच्छा तो आप लोअर और इसी ड्रेस में दौड़ रहे थे या आप हाफ वगैरह लोअर पहने? हाफ लोअर था और हाफ टी शर्ट। अच्छा एक चीज बताइए मुझे कि जब रनिंग करने के पहले कोई मतलब डायरेक्शन दिया जाता है वहाँ पर सीआरपीएफ के बंदों की तरफ? ग्राउंड का एक लेआउट बना हुआ था। अच्छा वो ट्रैक उसमें बना हुआ है, स्टार्ट करना है और ऐसे जाना है, फिर सेकंड राउंड पे कहाँ से आपको एंट्री करना है ग्राउंड पे। अच्छा वो सारी चीजें बताते हैं। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए कि जब आप ट्रैक पे रनिंग कर रहे हो, रोड पे रनिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर बंदे खड़े होंगे आपको डायरेक्शन बताने के लिए? डायरेक्शन बताने के लिए खड़े थे, पानी के लिए खड़े थे। पानी जैसे आप पानी मिला तो आपने पानी पिया या थोड़ा कुल्ला करके थूक दिया? पानी मैंने ना पिया है ना कुल्ला किया, मुंह धुलने के लिए लिया था 2 से 3 बार ताकि बॉडी थोड़ा गीली रहे। अच्छा अच्छा मतलब मुंह ना सूखे। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे क्या बीच में रुक रहे थे या कंटिन्यू रनिंग कर रहे थे? मैक्सिमम तो कंटिन्यू रनिंग कर रहे थे, जो रुक रहे थे वो 32 पे आए। अच्छा 32 पे आए। तो आपने देखा यहाँ पर आदित्य जी ने पूरा यानी पूरा अपने रनिंग के बारे में पूरी चीज़ें बता दी। अगर आप भी रनिंग करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी कैसी रनिंग होनी है और कैसे कैसे आपको कौन कौन सी चीज़ें को फॉलो करना है। तो आपने इस वीडियो में पूरी चीज़ें जान ली है और अगर जानना है तो अगले वीडियो में हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बंदे गए और पास होके आते जा रहे हैं, तो उनके डायरेक्शन के साथ साथ हम वो चीज़ें बताएंगे जो रनिंग में वो लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें बता के भेजते हैं, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे दौड़ना है, कैसे आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, तभी रनिंग क्वालिफाई। यहाँ कब ऐसे ऐसे बंदे हमारे पास कॉल करते हैं जिनकी 22 मिनट रनिंग थी और रनिंग नहीं निकली है, तो कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा तभी आपकी रनिंग पास होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब।